तो मध्य प्रदेश में भले ही अभी विधानसभा चुनाव में लंबा समय बाकी हो, लेकिन बीजेपी ने मिशन 2023 के लिए मैदानी तैयारियां शुरू कर दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जबलपुर आ रहे हैं और अमित शाह के इस दौरे को भी आदिवासियों को 2023 के चुनाव के लिए लुभाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। वजह यह है कि राज्य में 43 समूह वाले आदिवासियों की आबादी 2 करोड़ से ज्यादा है, जो 230 में से 84 विधानसभा सीटों पर असर डालती है। तो ग्राफिक्स के जरिए बताता है अमित शाह के जबलपुर दौरे के बारे में। सुबह 11:30 बजे डुमना एयरपोर्ट का पर आगमन करेंगे अमित शाह। सुबह 11:55 पर अमर शहीद शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह के बलिदान स्थल पहुंचेंगे अमित शाह। तो बलिदान स्थल पर माल्यार्पण कर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे और दोपहर 12:10 पर गैरिसन ग्राउंड पहुंचकर जनसभा को संबोधित करेंगे। तो दोपहर 1:50 पर संसद निवास पर भोजन करेंगे गृहमंत्री और दोपहर 2:45 पर उज्ज्वला योजना 2.0 का शुभारंभ करेंगे। तो शाम 4:30 बजे बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन में शामिल होंगे। बड़ी जानकारी आपको बता दें, अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दें, शाम 6:10 पर नरसिंह मंदिर पहुंचकर दर्शन करेंगे। तो शाम 6:35 पर द्विवेदी तीर्थ पहुंचकर आचार्य विद्यासागर महाराज के दर्शन करेंगे। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।